नमस्ते, मैं अर्चना आरते आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक लड्डू की रेसिपी बताने वाली हूँ जिसका नाम है राजगिरा के लड्डू। ये आप उपवास में खा सकते हैं, जैसे श्रावण महीना है, नवरात्रि है, तो आप इसे बना के खा सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। राजगिरा लड्डू बनाने के लिए लगने वाली सामग्री है, यहाँ पर सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स है। गुड़ लिया है 1/2 किलो और 1/2 किलो राजगिरा है। तो चलो शुरुआत करते हैं। गैस शुरू कर देते हैं और गुड़ को इसमें डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से पिघलने देना है, तब तक के लिए राह देखनी है। इसको हिलाते ही रहना है हमें। देखिए यहाँ पे घी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुड़ है और राजगिरा है। देखिए गुड़ अच्छी तरह से पिघल रहा है, थोड़ा ही बाकी है। ये रेसिपी के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। देखिए गुड़ पूरी तरह से पिघल चुका है। अब इसमें जाएगा राजगिरा। गैस को सीम रखा है मीडियम फ्लेम पे और इसमें राजगिरा डाल देते हैं। पहला ही थोड़ा ही डाल देते हैं, बाकी का भी डाल देते हैं और इसे मिला लेते हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, गैस को बंद कर देते हैं। अब इसके लड्डू बना लेते हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि लड्डू बनाने के लिए आसान हो जाए। इसमें निकाल लिए हैं। देखो 1/2 किलो में कितने लड्डू बनते हैं, हम बाद में गिन लेंगे। थोड़ा सा हाथ को घी लगा लेना है, प्योर घी ही लेना है और इसको लड्डू बना लेने हैं उसके। इसी प्रकार हम सारे लड्डू बना लेंगे। थोड़ा घी लेना है हाथ में। इसे गरम गरम ही करना पड़ता है, नहीं तो फिर पूरा लूज हो जाता है ये लड्डू, क्योंकि राजगिरा है हल्का रहता है बहुत ही। वो जैसे ही गुड़ में जाता है तो और थोड़ा फूल जाता है। इस प्रकार से सब लड्डू तैयार हो चुके हैं। अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। राजगिरा के लड्डू तैयार है। आपने देखा कितना आसान है तरीका ये बनाने का, तो आप इसे बनाइए, हमें कमेंट्स में कहिए। आज मैं आपको एक उपवास स्पेशल स्वीट डिश बनाने वाली हूँ, उसका नाम है राजगिरा का हलवा। तो चलो शुरुआत करते हैं। राजगिरा का हलवा बनाने के लिए लगने वाली सामग्री है 1 कप चीनी, 1 कप राजगिरा का आटा, 1 कप देसी घी, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, बादाम कटे हुए और पानी। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब इसमें जाएगा देसी घी 1 कप, 1 कटोरी नहीं तो 1 कप। घी को अच्छी तरह से पिघलने देना है। देखो घी पिघल चुका है। अब इसमें जाएगा 1 कप राजगिरा का आटा और इसे अच्छी तरह से भूनना है, अच्छी तरह से भून के लेना है।
इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तब तक इसको भूनना है। अच्छा सा फ्रेग्रेंस आ रहा है यहाँ पर। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम लेते हैं 1 कप चीनी और इसमें जाएगा 2 कप पानी। अब इसे अच्छी तरह से उबलने देना है और उसके बाद हम जो ये राजगिरा का आटा है जो हमने अच्छी तरह से भून के लिए वो हम उसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं चीनी पिघल चुकी है और 5 मिनट के बाद हम उसमें राजगिरा का आटा डाल देंगे। तो इसे उबलने देना है। अब गैस को थोड़ा धीमी आंच पे रख देते हैं। इसमें डालते हैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ बादाम। अब इसमें जाएगा राजगिरा का भुना हुआ आटा। अब इसे अच्छी तरह से मिलाते रहना है गाढ़ा होने तक। राजगिरा का हलवा अच्छी तरह से पक चुका है, इसे बंद कर देते हैं और अब इसमें निकाल लेते हैं। अब इसको गार्निश करते हैं बादाम से। गर्मा गर्म राजगिरा हलवा तैयार है। आप इसे उपवास में बनाइए, हमें कमेंट्स में कहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए।